तहज्जुद का टाइम क्या है और कम अज कम इसकी कितनी रकातें होती हैं, ये हमने बारहा आपको जवाब दिया कि इशा के फराइज अदा करने के बाद इंसान थोड़ी देर के लिए भी सो जाए तो जैसे उसकी आंख खुलेगी समझ लें तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया, और ये पूरी रात रहता है हत्ता के वक्त फजर तक तहज्जुद का वक्त है। लेकिन इसकी इब्तिदा के लिए जरूरी है याद रखें कि इशा के फराइज अदा करने के बाद इंसान थोड़ी देर सोए। ये जरूरी नहीं है कि आप फर्ज पढ़ के सो जाए फिर उठ के सुनन नवाफिल वगैरह पढ़ रहे हैं, मुराद कहने का यह है कि कम अज कम इशा के फराइज पढ़कर सोया हो, ये इशा की नमाज आप पढ़ के सो जाए थोड़ी देर बाद आंख खुले बस तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। तो ये ख्याल भी गलत है कि जो हम अमूमन रमजान में जिस वक्त में उठकर सहरी करते हैं आखिरी रात के आखिरी पहर में, लोग समझते हैं कि यह है तहज्जुद का वक्त। तो तहज्जुद का हकीकतन जो वक्त है वो हमने आपको बता दिया। हाँ, जिस वक्त हम अमूमन रमजान में सहरी करते हैं फजर से थोड़ी देर पहले, उस वक्त में उठकर पढ़ना अफजल है, बहुत ज्यादा अफजल है। वजह उसकी यह है कि वो गहरी नींद का वक्त होता है और उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला की रजा की खातिर अपने गरम गरम बिस्तर को छोड़कर और फिर ठंडे पानी से वुजू करके उसकी बारगाह में खड़ा होना, चूंकि नफ्स पर बहुत ज्यादा गिरा गुजरता है और जो चीज नफ्स पर ज्यादा गिरा गुजरती है वो अल्लाह ताला की बारगाह में उतनी ज्यादा मकबूल होती है और उतने ही ज्यादा हुसूल सवाब के लिए बाइस और सबब बनती है। लिहाजा उस वक्त में अदा करें तो बहुत बेहतर है, लेकिन असल टाइम यही है। इसकी कम अज कम दो रकतें हैं और ज्यादा से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 रकतें पढ़ना भी साबित है, लेकिन साबित है, ये नहीं है कि 12 रकतों से ज्यादा पढ़ना मना है। आप चाहे 100 रकतें रात में पढ़ सकें तो पढ़ लें, लेकिन कम अज कम दो रकतें, ज्यादा से ज्यादा 12 रकतें साबित हैं, तो आप चाहे दो पढ़ लें चाहे 12 पढ़ लें।